हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे पहेलिया लॉजिक सवाल चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें। दोस्तों, आज की वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो के एंड में आपके लिए एक क्वेश्चन है। शुरू करते हैं दोस्तों, आज की पहली पहेली है। एक दिन राहुल सुबह सुबह तैयार होकर अपनी पत्नी दिव्या से कहता है कि मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, और फिर तभी राहुल अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। जैसे ही राहुल अपने ऑफिस चला जाता है, तभी वहाँ पर अचानक से एक नकाब पहने हुए किडनैपर आता है, और वो किडनैपर राहुल की पत्नी दिव्या को उसके घर से किडनैप करके ले जाता है। दिव्या बहुत चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता है। और फिर शाम को जब राहुल अपने घर पर वापस आता है और अपनी पत्नी दिव्या को पुकारता है, तो दिव्या आवाज़ नहीं देती है। राहुल पूरे घर में अपनी पत्नी को ढूंढता है, लेकिन उसे नहीं मिलती है। तभी राहुल को एक फ़ोन कॉल आता है, और वो फ़ोन कॉल किडनैपर का होता है, और वो किडनैपर राहुल से कहता है कि तुम्हारी पत्नी मेरे पास है, अगर तुम अपनी पत्नी को सही सलामत चाहते हो तो 1 करोड़ रुपये लेकर वहाँ पर आ जाओ जहाँ पर मैं तुम्हें कहता हूँ। कहाँ पर आना है तुम्हें, उसका मैं मैसेज कर दूँगा। राहुल उस किडनैपर से कहता है, ठीक है, तुम जहाँ बोलोगे मैं वहाँ पैसे लेकर आ जाऊँगा, लेकिन मेरी पत्नी को कुछ मत करना। इतना कहते ही फ़ोन कट हो जाता है, और राहुल 1 करोड़ रुपये लेकर अपनी पत्नी को बचाने के लिए उस जगह पर निकल जाता है जहाँ पर उस किडनैपर ने उसे बुलाया है। राहुल वहाँ पर पहुँचता है जहाँ पर किडनैपर ने उसे बुलाया है, और वहाँ जाके पैसों से भरा हुआ बैग वो किडनैपर को दे देता है, और उससे कहता है कि अब मेरी पत्नी को मुझे वापस दे दो। तो वो किडनैपर राहुल से कहता है, तुम्हारे सामने ये 4 लड़कियाँ मौजूद हैं, तुम इसमें से अपनी पत्नी को अगर पहचान सकते हो तो पहचानो और उसे अपने साथ ले जाओ, लेकिन अगर तुमने गलत पहचाना तो तुम अपनी पत्नी को साथ नहीं ले जा सकते। फिर राहुल चारों लड़कियों को गौर से देखता है और इसमें से अपनी पत्नी को पहचानने की कोशिश करता है। दोस्तों, क्या आप पता लगा सकते हैं कि इन चारों लड़कियों में से राहुल की पत्नी दिव्या कौन है? दोस्तों, आंसर जानने से पहले अपना आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। दोस्तों, क्या पता लगा पाए कि इन चारों लड़कियों में से राहुल की पत्नी दिव्या कौन सी है? दोस्तों, इन चारों में से यहाँ पे जो तीसरे नंबर वाली लड़की है वो है दिव्या, राहुल की पत्नी। दोस्तों, राहुल चारों लड़कियों को गौर से देखता है, और फिर राहुल को याद आता है कि सुबह सुबह जब मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था तब दिव्या ने सैंडल्स पहनी हुई थी, और अभी यहाँ पर इन चारों लड़कियों में से तीसरे नंबर वाली लड़की ने वैसी ही सैंडल पहनी हुई है जैसी सुबह दिव्या ने पहनी हुई थी। बाकी तीनों लड़कियों ने जूते पहने हुए हैं। इसका मतलब है कि इन चारों लड़कियों में से तीसरे नंबर वाली लड़की ही असली दिव्या है। राहुल अपनी पत्नी को पहचान जाता है, और फिर वो किडनैपर राहुल की पत्नी दिव्या को छोड़ देता है। दोनों, राहुल और दिव्या, अपने घर वापस आ जाते हैं। दोस्तों, क्या आप इसका सही जवाब पता लगा पाए थे? तो हमें कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज की अगली पहेली है। एक दिन सुनीता को उसी के ही घर में कोई मार देता है, तभी वहाँ पर इंक्वायरी के लिए इंस्पेक्टर आते हैं। इंस्पेक्टर सुनीता के घर में मौजूद सभी लोगों को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम में से किसने सुनीता को मारा है। तो सभी लोग एक एक करके इंस्पेक्टर को जवाब देते हैं। सबसे पहले जॉली इंस्पेक्टर से कहता है कि मैं अपनी एक दोस्त के घर गया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं उसका हालचाल पूछने के लिए अपनी दोस्त के घर गया था, मैंने सुनीता को नहीं मारा है। रॉय कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ बीच पे पार्टी करने के लिए गया था, मैंने भी सुनीता को नहीं मारा है। जूली कहती है कि मैं ऑफिस गई हुई थी, अभी ऑफिस से यहाँ पर आई हूँ, मैंने सुनीता को नहीं मारा है। और लिली कहती है कि मैं कॉफ़ी शॉप पे
कॉफ़ी पीने के लिए गई थी। मैंने सुनीता को नहीं मारा है। इंस्पेक्टर सभी की बात सुनते हैं और उसके बाद इंस्पेक्टर को सुनीता के पास में एक पर्ची दिखाई देती है, जिसे इंस्पेक्टर उठाते हैं और उसे देखते हैं तो उस पर्ची में कुछ लिखा हुआ होता है, लेकिन इंस्पेक्टर को कुछ समझ में नहीं आता है कि इस पर्ची में जो लिखा है उसका मतलब क्या है। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि इस पर्ची में क्या लिखा हुआ है? कौन है जिसने सुनीता को मारा है? दोस्तों, आंसर जानने से पहले अपना आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि इनमें से कौन झूठ बोल रहा है? किसने सुनीता को मारा है? दोस्तों, इंस्पेक्टर सबकी बात सुनते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि किसने सुनीता को मारा है। तो फिर इंस्पेक्टर उस पर्ची में लिखे हुए को देखते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। तो इंस्पेक्टर पर्ची में लिखे हुए को उल्टा करते हैं। जैसे ही पर्ची में लिखे हुए वर्ड्स को इंस्पेक्टर उल्टा करते हैं तो उसमें लिली लिखा हुआ होता है, जिससे इंस्पेक्टर समझ जाते हैं कि इन सभी में से वो लिली है जिसने सुनीता को मारा है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आज की अगली पहेली है। दोस्तों, आपके सामने एक सीन है। इस सीन में 5 शब्द छुपे हुए हैं। दोस्तों, क्या आप इस सीन को देखकर बता सकते हैं कि इसमें कौन से 5 शब्द छुपे हुए हैं? दोस्तों, आंसर जानने से पहले अपना आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। दोस्तों, क्या आप इस सीन में छुपे हुए 5 शब्दों को ढूंढ पाए? इसमें जो 5 शब्द हैं वो हैं कवर, नोट, बिट, बुल और मॉम। दोस्तों, आप इनमें से कितने शब्दों को ढूंढ पाए हमें कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज की अगली पहेली है। दोस्तों, आपके सामने एक सीन है। इस सीन में 3 कपल एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आप इसे देखकर बता सकते हैं कि इन 3 कपल में से कौन सा कपल ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतेगा? दोस्तों, आंसर जानने से पहले अपना आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। दोस्तों, क्या पता लगा पाए कि इन 3 कपल में से कौन सा कपल ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतेगा? इन 3 कपल में से 2 नंबर वाला जो कपल है वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतेगा। दोस्तों, आप देखेंगे कि 3 कपल में एक एक लड़की है जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में अपना मेकओवर करवा रही है, और पहले नंबर वाला जो लड़का है उसने अपने हाथ में शेविंग रेजर पकड़ा हुआ है। लड़कियों के मेकओवर में शेविंग रेजर का क्या काम? यानी कि ये लड़का शेविंग रेजर का यूज़ करके ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं जीत पाएगा। और ऐसे ही 3 नंबर वाले लड़के ने अपने हाथ में एक उस्तरा पकड़ा हुआ है। लड़कियों के मेकओवर में उस्तरा भी कोई काम नहीं आता है। इसका मतलब है कि ये कपल भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं जीत पाएगा। 2 नंबर वाले कपल के लड़के ने अपने हाथ में कैची पकड़ी हुई है। कैची ब्यूटी मेकओवर में काम आती है, इसलिए ये 2 नंबर वाला जो कपल है वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत जाएगा। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपसे एक सवाल पूछा था, जो था, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया? दोस्तों, इसका सही जवाब है बांग्लादेश। बांग्लादेश के खिलाफ सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक लगाया। दोस्तों, आज का सवाल है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका सही जवाब देने वाले लोगों के नाम अगली वीडियो में दिखाए जाएंगे। दोस्तों, आप हमारी आज की वीडियो में कितने सवालों के सही जवाब दे पाए हमें कमेंट करके बताइए।
आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।